अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ चीजी टंगड़ी कबाब की रेसिपी शेयर करूंगी, विच इज अ फेमस रेस्टोरेंट स्टाइल ग्रिल्ड चिकन ड्रमस्टिक विद सम स्पेशल स्पाइसेस, यूजुअली सर्व विद ग्रीन चटनी। तो चलिए देर किस बात की, वीडियो स्टार्ट करते हैं। बट बिफोर दैट, मेक श्योर टू सब्सक्राइब माई चैनल, प्रेस द बेल आइकन फॉर ऑल माई अपकमिंग वीडियोज, एंड डू लाइक एंड शेयर माई वीडियोज विद ऑल योर लव्ड वंस। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो चीज़ी टंगड़ी कबाब बनाने के लिए यहाँ पे मैंने 7 to 8 चिकन ड्रम स्टिक्स लिए हैं, यानी चिकन लेग पीसेस, और उसमें इस तरीके से आपको स्लिट्स लगा लेने हैं ताकि जो भी हम इसका मैरिनेशन करें वो अंदर तक इन्फ्यूज हो जाए। अब मैंने पहले से ही इसमें लगा लिया था सारे स्लिट्स, अब इसका हम करेंगे मैरिनेशन। तो इसमें मैंने ऐड किया 1 कप ऑफ कर्ड, ये गाढ़ा दही है। नेक्स्ट इसमें मैं ऐड कर रही हूँ 1 कप ऑफ फ्रेश क्रीम। 1 टीस्पून ऐड करना है लहसुन का पेस्ट, और 1 टीस्पून ही ऐड करना है अदरक का पेस्ट यानी जिंजर पेस्ट। 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर यानी लाल मिर्च पाउडर। 1 टीस्पून कोरिएंडर पाउडर यानी धनिया का पाउडर, और 1/3 टीस्पून ऐड करना है टर्मरिक पाउडर यानी हल्दी पाउडर, और 1 टीस्पून ब्लैक पेपर पाउडर यानी काली मिर्च का पाउडर। 1 टीस्पून ऐड करना है जीरा पाउडर। 1/2 टीस्पून चाट मसाला, बिल्कुल चटपटा सा हम बनाएंगे, और 1 टेबलस्पून भर के इसमें ऐड करेंगे कसूरी मेथी, हाथों से थोड़ा सा क्रश करके ऐड करें, और 1 टीस्पून ऐड करना है सॉल्ट यानी कि नमक, और 1 पूरे नींबू का रस इसमें हम ऐड कर देंगे। तो सारे इंग्रेडिएंट्स हमने इसमें डाल दिए हैं, अब हम इसे करेंगे अच्छे से मिक्स। अब इसे कवर करके हम ओवरनाइट छोड़ देंगे। अगर आपके पास टाइम नहीं है, आप कम से कम इसे 2 घंटे के लिए इस तरीके से छोड़ दें। गैस पे मैंने पैन रख दिया है, इसमें मैंने 20 ग्राम्स के करीब बटर ऐड किया। जो बटर हमारा मेल्ट होने लगेगा तो इसमें हम अपना मैरिनेटेड चिकन ऐड कर देंगे। इसमें जितना भी मसाला है आपको सब ऐड कर देना है। अब पीसेस को अच्छे से सेटल डाउन कर दें पैन में, और हम इसे फिर कवर करके 4 से 5 मिनट तक इसी तरीके से कुक करेंगे। 4 से 5 मिनट हो गए, लिड ओपन करके देख लेते हैं। अब हम साइड्स को चेंज करेंगे ताकि हमारे जो चिकन ड्रम स्टिक्स हैं ये दूसरे साइड से भी अच्छे से कुक हो जाएं। थोड़ी थोड़ी देर में आपको लिड ओपन करके साइड्स को चेंज करते रहना है ताकि ये जले भी नहीं और अच्छे से मसाले इसमें एब्जॉर्ब हो जाएं। अब इसे वापस से कवर करके 5 मिनट के लिए हम और कुक करेंगे ताकि अंदर तक बिल्कुल सॉफ्ट हो जाए। गैस की फ्लेम को मैंने ऑफ कर दिया था, यहाँ पे मैंने ग्रिल नेट रख दी है। अब इसमें हम अपने चिकन पीसेस को इस तरीके से ग्रिल कर लेंगे। हर तरफ से आपको इसे अच्छे से ग्रिल करना है, साइड्स को चेंज करते रहना है, इसमें बहुत अच्छे से ग्रिल मार्क्स आ जाएंगे। इसी तरीके से मैं बाकी के बचे हुए चिकन ड्रमस्टिक्स को भी ग्रिल कर लूंगी। साइड्स को आपको चेंज करते रहना है, हर तरफ से इसको ग्रिल करना है। अब मैंने वापस से इसे कढ़ाई में डाल दिया है। अब ऊपर से मैं गार्निश कर रही हूँ ग्रेटेड चीज़। चीज़ आप अपने पसंद की कोई भी ले सकते हैं जो आपके घर में अवेलेबल है। अब हमें इसे देना है बहुत ही अच्छा सा स्मोकी फ्लेवर। तो यहाँ पे मैंने जलता हुआ कोयला रख दिया है। इसमें मैं ऐड करूँगी थोड़ा सा ऑयल, या फिर आप बटर या घी जो भी आप ऐड करना चाहते हैं इसमें ऐड कर दें, और लिड से इसे फटाफट से हम क्लोज कर देंगे, लिड से कवर कर देंगे। 4 से 5 मिनट के बाद हम लिड को ओपन करके देखेंगे, तब तक हमारा चीज़ भी मेल्ट हो चुका होगा। तो 4 से 5 मिनट हो गए, आप देख सकते हैं चीज़ अच्छे से मेल्ट हो गया है और बहुत अच्छा सा स्मोकी फ्लेवर हमारे पूरे टंगड़ी कबाब में आ गया है। कोल को रिमूव कर देना है। अब इसे मैं करूँगी डिश आउट। तो आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा अपीलिंग और टेस्टी हमारा चिकन टंगड़ी कबाब लग रहा है। ये देखने में जितना ज़्यादा टेस्टी लग रहा है, खाने में उससे ज़्यादा टेस्टी है। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए। इट इज़ अ पार्टी एपेटाइज़र, एज अ स्टार्टर आप इसे अपनी पार्टीज़ में बना सकते हैं। आपको मैं दिखाती हूँ ये अंदर से कितना जूसी है, ऊपर से बिल्कुल चीज़ी है, अंदर तक बहुत अच्छे से कुक हो गया है।
इस रेसिपी को आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा आपको ये रेसिपी कैसी लगी। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जाएं मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और मेरी वीडियोस पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। दैट्स इट फॉर नाउ, टिल देन हैप्पी कुकिंग एंड हैप्पी ईटिंग। आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।